बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी राजनीति 2014 पर हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र के बाद में आज ऑल इंडिया पूरे इंडिया लेवल पे पैर पसरने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको विवादित चेहरे, जिसको विवादित भाषणों के नाम से जाना जाता है, असदुद्दीन ओवैसी की छवि को ख़राब किया जाता है। इसी तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को अगर लास्ट टाइम को उठाकर देखा जाए, जिस बयान पे उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं उस बयान को भी इस हमले से जोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से यूपी के अंदर जितनी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसके कहीं ज़्यादा राजनीति पारा चढ़ा हुआ है, बोली के जगह गोलियां चल रही हैं। और हाल ही पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से अपने राजनीतिक करियर, जिस राजनीतिक सफ़र की बात करते हैं कि मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा और नहीं लूँगा क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है, वो बात करते हैं मौत की साय को लेकर। राजनीति के स्तर पर हर नेता, हर पॉलिटिशियन की अगर बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से गुहार लगाता है राजनीति को, सुरक्षा को लेकर। लेकिन अभी ना इंडिया लेवल के कोर्ट में मैं मौजूद हूँ नागपुर पे, जहाँ से RSS भी ये वादा करती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो आरोप लगते बीप टीम के, वो बीप टीम के लिए उसको खारिज कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि बी टीम नहीं है। यूपी की अगर बात किया जाए तो कहीं कहा जाता है अखिलेश की बी टीम है, कहीं कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन उसी दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी अपनी चुनावी सभाओं को करते हुए जब दिल्ली के लिए लौटते हैं, मेरठ टोल प्लाजा पर पहुँचते हैं, तो उनके ऊपर बोली नहीं बल्कि गोलियां चलती है और उसको लेकर धरना प्रदर्शन नागपुर में किया जा रहा है। जिसके साथ मेरे साथ में यहाँ पे शाहिद रंगूनवाला पाशा साहब मौजूद है, जावेद अख्तर मौजूद है, शकील जी मौजूद है, कृति जी मौजूद है, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पूर्व की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व उत्तर नागपुर से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। ये पूरी MIM जो नागपुर में कहा जाता है RSS गढ़, उस जगह से भी असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा की बात की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे शकील साहब? सबसे पहले तो आप पाशा साहब दौरे पे हैं और दौरे के साथ साथ ये घटना सामने आती है और नागपुर पे आप मैदान पे हैं। राजनीतिक संघर्ष इस घटना से बिल्कुल सामने है। एक तरफ ओवैसी साहब की राजनीति है जो बुनियादी सवालों पर खड़ी है, जो कहती है कि धर्म की राजनीति और धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना अब इस देश में नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में जो चलेगा वो रोज़गार के बारे में बात चलेगी, उत्तर प्रदेश में जो चलेगा वो युवकों को नौकरियों के बारे में चली, किसान के बारे में चलेगी, बर्बादी के बारे में चलेगी, गरीबी के बारे में चलेगी, स्वास्थ्य के बारे में चलेगी। ये है संवैधानिक राजनीति। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कहते हैं कि हम संवैधानिक राजनीति कर रहे हैं, जिसमें संविधान कहता है कि सभी को बराबरी का प्रतिनिधित्व ही नहीं, हिस्सा भी मिलना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसे राजनीति करने वाले हैं जो खुद हिंदू समाज के बहुसंख्यकों को मूर्ख बनाते हैं और धर्म के नाम से उनका शोषण करते हैं। बैरिस्टर साहब की राजनीति उनके लिए चैलेंज बनी है। ऐसे में धर्म पर आधारित राज करने वाले लोगों ने जिन युवाओं की मानसिकता बिगाड़ी, उन लोगों ने संवैधानिक राजनीति करने वाले बैरिस्टर पर हमला किया है। तो हम ये मानते हैं कि ये केवल बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर हमला नहीं है, वो इस देश के बुनियादी संवैधानिक राजनीतिक ढांचे पे हमला है और इसका संज्ञान इस देश के चुनाव आयोग ने लेना चाहिए, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए, इस देश का प्रधानमंत्री जी ने इस घटना की निंदा करनी चाहिए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस देश के प्रजातंत्र के प्रतिनिधि ओवैसी साहब पर धर्मांध लोगों का हमला हो रहा है, लेकिन सभी बड़े पक्ष खामोश है। आज तुम्हारी खामोशी कल तुम्हें गोलियां झेलने के लिए मजबूर करेगी। महात्मा गांधी जी का उदाहरण याद रखना। इसलिए जो मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गरीबों के, मजलूमों के, पिछड़ों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही है, हम उनका निषेध करते हैं और उनको Z+ सुरक्षा दी गई है। इसी तरह हम मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब पर भी हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें भी फौरन Z+ सुरक्षा दी जाए। क्यों? कि खासदार इम्तियाज जलील साहब भी महाराष्ट्र में कोरोना के नाम से हुए भ्रष्टाचार, वक्फ जमीनों के भ्रष्टाचार, लोगों की बढ़ती बेरोजगारी पर, डूबते उद्योग धंधों पर, किसानों के मसलों पर, महिलाओं के अत्याचारों पर आवाज़ उठाते हैं। ऐसी राजनीति जीने नहीं चाहिए। वे गोडसेवादी लोगों ने यह हमला किया, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। हम आरोपियों पर कड़ी सी कड़ी सजा का उनको सजा दी जाए, ये मांग कर रहे हैं।
जेड प्लस की बात की गई, जेड प्लस तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद रंगूनवाला मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जेड प्लस के साथ साथ जो असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर से ये कहना है कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, सिंगल चलूँगा, क्या इस पर अब इसमें क्या टिप्पणी है? नहीं, जैसे उन्होंने कल भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, वो एक मर्द मुजाहिद इंसान है और ये उनकी मंशा है कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, मगर ये उनका प्रेम है, ये लोगों के बीच उनका प्रेम है और हमारी मंशा है, हम चाहते हैं कि वो एक हीरा है, वो एक संविधान का रक्षक है, वो जब तक हमारे साथ में है पूरे मजबूती के साथ में वो संविधान की रक्षा कर सकेगा, मगर जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जो गोडसेवादी ताकतें हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और ये इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि उन्हें भारत सरकार जो है जेड प्लस सुरक्षा दे। एक तरफ सुरक्षा दे, सुरक्षा दी भी गई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सुरक्षा नहीं चाहिए, तीसरी तरफ कहते हैं कि सरकार मेरा सपोर्ट करे, सरकार मेरी सुरक्षा नहीं तो सरकार के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा, क्या डबल मीनिंग क्या है ये कृति? इसे हम डबल मीनिंग नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो वो जनता के बीच में रहते हैं और आज से नहीं, जब से वो एमएलए मतलब जब से एमपी बने हुए हैं वो तब से जनता के बीच में ही रहे हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं जनता ने मुझे चुना है तो जनता का प्यार मिलेगा और जनता का प्यार जिसे मिलता है उसे डर किस चीज़ का, जनता ने चुन के लाया हुए लोग ये है वो एमपी है। उसके बाद जब आप भारत से में अलग अलग हैदराबाद से निकल के अलग अलग जगहों पर जब जा रहे हैं हम देखते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड जो माइंडसेट बना के रखे ये कुछ ही लोग होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं, तो ये कुछ लोगों की मेंटालिटी के लिए वो बोल रहे हैं कि इनसे डर के मेरे को नहीं चाहिए, पर हम मांग क्यों कर रहे हैं, आप हमारे लिए अनमोल है, आप संविधान रक्षक है, आप उन लोगों की आवाज़ है, उन लोगों का सहारा है जिनके लिए जो सरकार है कभी सोचती नहीं, तो ऐसे में हम लोग मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो कल भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि नहीं चाहिए और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें, उन्होंने नहीं कहा ये, हम कह रहे हैं कि हमारे जो बैरिस्टर हैं उनको सुरक्षा दे क्योंकि उनकी ज़रूरत है भारत को और पूरे भारत का नक्शा अब बदल रहा है, ये सबको पता है, उनको भी पता है, यूपी में उसका असर दिख रहा है तभी ये ऐसा गंदा हथकंडा उन्होंने अपनाया है, बट अभी इसके ऊपर अगर सरकार ने योग्य निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा, जैसे पकड़ लिए शुभम और सचिन नाम है उनका, पकड़ तो लिए है मगर अब क्या उसके पीछे किसकी राजनीति मतलब क्या चल रहा है, कौन मास्टरमाइंड है इसकी भी पूरी जानकारी मिलना चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, और उनको तो जेड प्लस सुरक्षा भी मिल गई है और हम तो यहाँ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि सर आप जेड प्लस सुरक्षा लीजिए, आप अपने लिए नहीं हमारे लिए लीजिए, भारत के लोगों के लिए लीजिए। शकील साहब, जिस तरीके से कहा गया, शकील इनके बारे में बता दूँ, पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं MIM से, इम्तियाज़ जलील की बात की जा रही है कि इम्तियाज़ जलील को भी सुरक्षा दिया जाए, अगर असदुद्दीन ओवैसी को तो मिल चुकी है, इम्तियाज़ जलील को अगर नहीं मिलती तो उस अगला कदम क्या होगा आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कोरोना के वक्त में वो बात उठा रहे हैं, वो मजलूमों की बात कर रहे हैं, वक्त की बात तो कर रहे हैं, घोड़सेवादी और RSS वादियों की बात कर रहे हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि यूपी में बीजेपी हार रही है और हमारा ये कहना है कि जब बीजेपी हार रही है तो वो उसने ही कल तक इस पर हमला करा है, इसका मैं आपको एक बार बताऊं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको कुछ दिन में ये सरकार छोड़ देगी, तो इसके अंदर गृह मंत्रालय और कलते PMO दोनों शामिल है बीजेपी की तरफ से, तो अब हमारा ये कहना है कि हमारे को ये डर लग रहा है कि असद साहब को कलते जिस तरह हमला किया गया वैसे ही हमला कलते इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर भी किया जाएगा, और ये है क्योंकि बीजेपी ये फैसिस्टवादी सरकार है और उसको मालूम है हमारी हार है तो हमारे को इनको ख़त्म किए बगैर कुछ होने वाला नहीं, ऐसा उनको लगता है, तो हमारा ये कहना है कि उनको भी जिस तरह असद साहब को सुरक्षा दी गई है वैसे इम्तियाज़ जलील साहब को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, सुरक्षा दिए जाने चाहिए। सुरक्षा को लेकर पूरे इंडिया लेवल पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की बात की जा रही है, उनको जेड प्लस दी भी गई है और देना भी चाहिए। चलते चलते आखिरी बात पे कही गई, जिस तरीके से नागपुर महानगरपालिका NMC की इलेक्शन की बात की गई थी, उसको इलेक्शन को भी लेकर इनका कहीं ना कहीं दौरा नागपुर पे माना जा रहा है।